दोस्तों, बड़े चाव से लोग चाउमीन खाते हैं। चाउमीन लोगों की पसंद बन गई है। मेरे हाथ में भी आपको ये चाउमीन ही नजर आ रही होगी। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक हर कोई चाउमीन को बहुत ही चाव के साथ खाता है। गली मोहल्ले चौक चौराहे पर चले जाइए, हर 10 कदम पर, हर छोटी बड़ी दुकान पर आपको चाउमीन मिल जाएगी। लेकिन साथियों, अगर मैं आपको कहूं कि हर 10 कदम पर आपको बीमार करने का बंदोबस्त हो चुका है, तो ये बात आपको थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन साथियों ये सच है। अगर आपको भी चाउमीन बहुत ज्यादा पसंद है तो दोस्तों आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि चाउमीन की छोटी सी प्लेट आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारी बीमारियां दे रही है। लॉन्ग टर्म में ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रही है। साथियों, अगर आप केवल जीभ के स्वाद के लिए चाउमीन को खा रहे हैं तो इस रिपोर्ट को देख लीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट देखने के बाद आप जिंदगी में चाउमीन नहीं खाओगे, क्योंकि हम आपको चाउमीन के सेवन से होने वाली उन बीमारियों का सच बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत घातक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं मेडिकली स्पीकिंग। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ये जो चाउमीन है, इसको खाने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। साथियों, चाउमीन बनाने के लिए सबसे ज्यादा मैदा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चाउमीन बनती ही मैदा से है। ऐसे में मैदा कभी भी किसी की सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होती, और इसलिए इसे खाने से पेट से जुड़ी जो समस्या है वो हो सकती है। मैदा पेट में चिपक जाती है, जिससे पेट दर्द जैसी समस्या हो सकती है। मैदा की मात्रा ज्यादा खाने से आपको इनडाइजेशन यानी अपच, खट्टी डकार, कॉन्स्टिपेशन, इस तरीके की पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। चाउमीन के ये वो नुकसान हैं जो हमारे पेट से जुड़े हुए हैं। अब जरा बीपी के जो मरीज हैं वो चाउमीन के बारे में थोड़ा जान लें। साथियों, इस बात की जानकारी बहुत ही कम लोगों को है कि चाउमीन खाने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। जी हाँ, यही चाउमीन खाने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या और बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है समझिएगा। दरअसल चाउमीन में हाई मात्रा में सोडियम होता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है और लंबे समय तक सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर, दिल से जुड़ी समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए आप ये जो चाउमीन है इसका इस्तेमाल कम करें। जिन लोगों को कैंसर से डर नहीं लगता, वो लोग इस चाउमीन को खूब जमकर खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को कैंसर से डर लगता है, अब उन्हें इस चाउमीन के बारे में कुछ बातें जरूर सुन लेनी चाहिए। अगर आपको रोजाना चाउमीन खाना पसंद है या फिर अपने दोस्तों के साथ आप चाउमीन की पार्टी करते हैं, तो आप ये बात जरूर जान लें कि चाउमीन कैंसर का कारण है। ध्यान से सुना आपने, कैंसर का कारण है। चाउमीन में उपयोग किए जाने वाले तेल में, जिस तेल में इसको तला जाता है, बनाया जाता है, उसमें ट्रांसफैट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और उस ट्रांसफैट की वजह से अल्सर या कैंसर हो सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप चाउमीन को कभी कभी खा लिया तो ठीक, ये रोजाना की आदत एकदम न डालें। जितना हो सके घर का बना खाना खाइए, हेल्दी डाइट लें, ताकि आपकी सेहत एकदम तंदुरुस्त रहे। अब वो लोग जो वेट कॉन्शियस है, यानी जो चाहते हैं कि हमारा वेट ज्यादा ना बढ़े, वो ध्यान से सुने। दोस्तों, चाउमीन आपका वजन बढ़ाने में, वेट बढ़ाने में भी बहुत अहम रोल निभाती है, क्योंकि चाउमीन में हाई मात्रा में कैलोरी होती है जो वजन बढ़ने का कारण बन सकती है। साथ ही ज्यादा चाउमीन खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ने लगता है। ज्यादा कैलोरी का सेवन करने से लोगों में ओबेसिटी यानी मोटापा, डायबिटीज, दिल के रोग और भी बहुत सारी समस्याएं आपको घेर लेती हैं। साथियों, चाउमीन का सेवन आपकी हड्डियों को भी कमजोर करता है। देखिए, खाने में बड़ी टेस्टी लगती है, बड़ा स्वाद आता है, लेकिन हमारी जो हड्डियां हैं वो भी कमजोर होती हैं इसके सेवन से, क्योंकि चाउमीन के बनाने में हम एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है अजीनोमोटो। ये जो अजीनोमोटो होता है, ये आपकी हड्डियों को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। अगर आप रोजाना चाउमीन खाते हैं तो चाउमीन का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें मिलाया गया अजीनोमोटो बॉडी का कैल्शियम जो होता है, जो हमारी बॉडी में होता है, उसको सोखना शुरू कर देता है। इससे होता क्या है,
हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए जितना हो सके चाउमीन का सेवन एकदम क्रॉस कर दीजिए, बंद कर दीजिए। आजकल चाउमीन सभी को अच्छी लगती है और सभी को टेस्टी लगती है, इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं डाइटिशियन पूजा यादव पैरिस हॉस्पिटल से। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हम बोलते हैं MSG। इससे होने वाली बीमारियाँ, ये जो इन्ग्रीडियंट्स हैं इससे हमारे मेटाबोलिज्म पर हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म और हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हैं। ऐसा एक हेडेक भी होता है जिससे कि हमारा गर्दन और जो हेड है वो भी भारीपन महसूस करता है। इसके अलावा और एसिडिटी से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारे स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों, मैंने बड़ी तफसील से एक एक करके आपको ये समझाने की कोशिश की कि ये जो मेरे प्लेट में चाउमीन मौजूद है यही आपके हाथों में होती है और इसे हम और आप सब लोग बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इसे खाने के लिए हमने पैसा खर्च किया और उसके बाद फिर यही चाउमीन हमें बीमारियां दे, हमें डॉक्टर के पास पहुंचाए, हमें अस्पताल पहुंचाए और फिर हम उन बीमारियों से लड़ने में पैसा खर्च करें, अपनी सेहत को खोएं, वो कौन सी अकलमंदी है? नहीं ना। तो फैसला ले लीजिए आज ही से आपको क्या करना है। अगर आप चाउमीन के शौकीन हैं, आपके बच्चे चाउमीन के शौकीन हैं, आपके रिश्ते परिवार में, यार दोस्तों में जो लोग भी चाउमीन के शौकीन हैं, उन्हें ज़रूर समझाइए, बताइए कि आप चाउमीन नहीं खा रहे हैं, चाउमीन आपको खा रही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक तो बनता है, एक लाइक भी जरूर करें। और हाँ, इस तरीके के वीडियोस आप सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल मेडिकली स्पीकिंग को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जाते जाते आपसे एक बात जरूर कहूँगा दोस्तों, अच्छा खाओ, अच्छा खिलाओ, चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, सदा मुस्कुराओ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।